ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि 6-7-8 अप्रैल को आगरा न्यूरोसाइंस क्लब द्वारा एक बहुत बड़ी सीएमई का आयोजन यहाँ किया जा रहा है, जो 6 अप्रैल की दोपहर के बाद शुरू होगा और 8 अप्रैल की दोपहर में समाप्त होगा। सीएमई एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, जो एक सतत शिक्षण व्यवस्था है आपके अपने एग्जिस्टिंग ज्ञान के परिमार्जन के लिए और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और अगर इसका स्तर अच्छा हो तो क्या ही कहने। स्तर के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को आगरा बुलाने में सफल रहा। इनमें हमारे 27 इंडिया के जो माने जाने न्यूरोसर्जन्स हैं वो, और 12 विदेशी, जैसे हर कॉन्टिनेंट से, जैसे प्रोफेसर अब्दुल सलाम खामलीची मोरक्को वेस्ट अफ्रीका, ऑनरेरी प्रेसिडेंट वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटीज, प्रोफेसर यान डन एसोसिएट प्रोफेसर एंड डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर स्कल बेस्ड सर्जरी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल यूएसए, जैक्स मॉरिस प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी अमेरिका, केट ड्रमंड डायरेक्टर न्यूरोसाइंसेज और ब्रेन कैंसर की मानी हुई हस्ती रॉयल मेलबोर्न हॉस्पिटल ऑस्ट्रेलिया, प्रोफेसर काजुहिरो होंगो जापान, प्रोफेसर मॉरिस चॉक्स फ्रांस, ये पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की इंटरनेशनल बॉडी की शुरुआत इन्होंने की थी, प्रोफेसर नोबुहितो साइतो प्रोफेसर चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी टोक्यो जापान, प्रोफेसर डेविड एडिल्सन डायरेक्टर बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यूएसए, ये पीडियाट्रिक हेड इंजरी बच्चों की सर की चोट के बारे में इनकी बहुत बड़ी महारत है, डॉक्टर ओलका सीफर्ट ये प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मन सोसाइटी ऑफ न्यूरोसर्जरी, प्रोफेसर योको काटो फर्स्ट वुमन फुल प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी फ्रॉम जापान और वर्ल्ड फेडरेशन की एजुकेशन सोसाइटी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ये आ रही हैं, और डॉक्टर योंग कॉन्ग टू ये इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोसर्जिकल सोसाइटीज ऑफ दिस प्लैनेट, और 133 देश इसके मेंबर हैं। इनका आना हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और मैंने इनके सम्मान में पहला लेक्चर वांग कॉन्ग टू का ही रखा है। और एक और बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2007 में जब मैंने न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस यहाँ 5-4 दिन की कराई थी, तो उसका उद्घाटन चीफ गेस्ट प्रोफेसर पीटर ब्लैक ने किया था, जो उस समय वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो दो वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स का आगरा में हमारे करियर के दौरान आना, ये हमारे लिए बहुत गौरव और हर्ष का विषय है। सीएमई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी डॉक्टर के करियर में, क्योंकि एक आदमी पूरी ज़िंदगी क्लासेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, उसके बाहर समाज में भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उन जिम्मेदारी को निभाते हुए हम लोग अगर अपने ज्ञान का परिमार्जन और ज्ञान का स्तर बढ़ा दें तो अच्छा रहता है। और इस तरह की सीएमई कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, ये बहुत ही असाधारण सीएमई है, जिसके अंदर इतने लोग अपना व्याख्यान देंगे। ये व्याख्यानमाला शाम को 4-3 बजे के बाद शुरू होगी और 6 तारीख को और 8 को 2 बजे समाप्त होगी।